नमस्कार। कहीं गुम ना हो जाएं स्वस्थ मानव जाति, कहीं आपका पेट कूड़ेदान में तब्दील तो नहीं हो रहा? एक श्रृंखला आरंभ कर रही हूँ प्रोफेशनल शेफ सुजान कार के साथ, उस बेचैनी को लेके जो काफ़ी समय से मुझे झकझोर रही है। कहीं गुम ना हो जाएं कुकरी कॉन्टेस्ट, एक शैक्षिक कार्यक्रम, एक प्रयास जिसके द्वारा हम चाह रहे थे कि घर के हर रसोई तक एक संदेश पहुँचे जिसमें वो अपनी रसोई को पहचाने, रसोई में रखी सामग्री को पहचाने, अपनी शारीरिक प्रकृति को पहचाने, अपने परिवार की शारीरिक प्रकृति को पहचाने। क्या खाना है, किस समय खाना है, हमारी संस्कृति के क्या क्या खाने हैं, खाद्य पदार्थ हैं, हमारे क्षेत्र में क्या उगता है, किस मौसम में हमें क्या खाना चाहिए, कौन सा व्यंजन किस समय किस तरीके से खाना चाहिए, उन सब चीज़ों को पहले तो समझें, पहचानें। और सब चीज़ों का मूल रूप यही निकल के आता है कि भारतीय संस्कृति एक बहुत ही सादगी साधारण पूर्ण भोजन की संस्कृति है जिसमें नो फस अबाउट फूड, बट व्हाट आई सी टुडे इज़ अटमोस्ट फस अबाउट फूड। तो कहाँ हम गलत हो गए? आज जिस घड़ी में हम बैठे हुए हैं उसमें फूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आज आपकी इम्यूनिटी पे प्रश्न चिन्ह है। आज हमको क्या खाना है? वही खाना है जो खाना चाहिए था शुरू से, आरंभ से। हम क्या पीछे छोड़ के जाएंगे? एक अनहेल्दी सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे नाड़ी देख के, जबान देख के, आँख देख के बीमारी पकड़ में आ जाती थी, और आज लाखों हज़ारों टेस्ट के द्वारा भी हमारी बीमारियाँ पकड़ में नहीं आती। तो उसका क्या कारण है? हम लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। डायबिटीज़, कैंसर, हाइपरटेंशन, हर चीज़ का स्रोत है खाना। तो क्यों ना हम एक ऐसा सिलसिला आरंभ करें जिसमें इस सूझबूझ के साथ हम आगे बढ़ें और अपनी जो रसोई है, जो मेडिसिनल स्टोर है, उसको तब्दील करें एक स्वास्थ्यप्रद स्टोर में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी से। आज जड़ से जुड़े यानी बैक टू रूट्स की श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ रहे हैं शेफ़ डॉक्टर इज़्ज़त हुसैन, जिनका ताल्लुक नवाब वाजिद अली शाह के घराने से रहा है। उन्होंने यूनानी चिकित्सा को अवधी क्विजीन में डालते हुए उसे एक स्वस्थ स्वास्थ्यप्रद रूप दिया है। शेफ़ इज़्ज़त हुसैन 35 वर्षों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उन्होंने देश विदेश में बहुत नाम कमाया है। बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग और अवार्ड विनिंग ब्लॉगर्स ने उनके बारे में बहुत ही खूबसूरत बातें लिखी हैं, उनके खाने को चखा है। वो नई नई तकनीक तो अपनाते हैं लेकिन उस तकनीक के पीछे के ज्ञान को उनको बहुत अच्छे से उसके बारे में पूरा पता होता है, और आज वो अपने एक्सपीरियंसेस और जिस बात को लेकर हम कहीं गुम ना हो जाएं या बैक टू रूट्स में बातचीत करते हैं उसको आगे बढ़ाते हुए, समझाते हुए हमारे साथ हैं। स्वागत है डॉक्टर शेफ़ इज़्ज़त हुसैन, शेफ़ डॉक्टर इज़्ज़त हुसैन का, और आप सब के लिए ये श्रृंखला जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। हाय, सलाम, नमस्ते, आदाब। मैं आपका दोस्त शेफ़ इज़्ज़त हुसैन, और आज के इस वीडियो में मैं मुखातिब हूँ होम शेफ़ से। जो भी होम शेफ़्स हैं वो सबसे ज़्यादा रिप्यूटेड हैं। दरअसल शेफ़ की बिना ही वही हैं, ईजाद भी वहीं से हुए हैं। और हमारी बबीता बहन ने जो बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है जो कई सालों से चल रहा है, कहीं गुम ना हो जाए, तो उसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि वो ये चाहती हैं, और बल्कि वो उनके साथ जो पूरी टीम है मैं भी यही चाहता हूँ कि जो भी हमारे खाने जो पुराने थे जो कहीं गुम हो गए थे, जिसकी वजह ये थी कि हम लोग एक मॉडर्न स्टाइल में आ गए थे और वेस्टर्न लाइफ हमारी ज़िंदगी में उसने काफ़ी दखल दे दिया था। अब हम तो हमेशा ताज़ा खाना खाने के आदी रहे हैं। हमारे यहाँ फ्रिज को आए हुए 30-40 साल हुए होंगे। जब मुझे याद है बचपन में जब कभी फ्रिज नहीं होते थे तो हमारे यहाँ दिन का खाना बाहर जहाँ हमारे जो घर के पालतू जानवर हुआ करते थे वो डाल दिया जाता, शाम को फिर ताज़ा बनता था। शाम को जो खाना होता था वो भी बासी कहलाता था, वो सुबह फिर ताज़ा होता था। तो कहने का मतलब ये कि अब हम तो ताज़ा खाना खाने के आदी रहे हमेशा, और हमने वेस्टर्न लाइफ को देखा और वो हमसे कुछ इंस्पायर्ड हो गए। उसके बाद में आकर के हमने फ्रिज में खाना रख के पहले खाना शुरू किया, उसके बाद फिर जो है पता लगा कि जो हमारे बहुत ख़राब किस्म के खाने थे
जैसे चीज़ है खाते हैं तो हम लोग यहाँ पे पनीर भी खाते हैं तो ताज़ा खाते हैं। वहाँ के ऊपर जब खाना खाना शुरू किया तो पता लगा कि वो 6 महीने पुराना ब्लू चीज़ है और ये साल भर पुराना, इस तरह से करके मतलब सड़े हुए खाने, कई कई दिन के पुराने बंस, कई कई दिन की पुरानी ब्रेड सबने खाना शुरू कर दिया, उससे बीमारी शुरू हो गई। और वही कहीं गुम ना हो जाए वाली बात है कि उसमें गुम हो गए खाने हमारे। अब अगर हमारे खाने गुम हो गए तो हम खाएंगे कैसे, पकेंगे कैसे? तो बबीता जी ने जो शुरू किया वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम में जितने मतलब उनका सबसे बड़ा मकसद यही है, और मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारे जो पुराने खाने हैं वो रिवाइव हों हमारे घर में। आप याद करिए कि आपकी नानी दादी क्या पकाया करती थी, आपकी मदर क्या पकाया करती थी, और अगर वो आपके सामने हैं तो आप उनके पास जाइए, देखिए। हमारे यहाँ खाने जो हैं वो सीज़न के हिसाब से हैं, जाड़े के खाने अलग हैं, बारिश के अलग हैं, और गर्मियों के खाने अलग हैं। गर्मियों में अगर हम आम तरबूज खा रहे हैं तो जाड़ों में हम कोई दूसरे फल खाया करते हैं, जो जाड़ों के हिसाब से एप्पल वगैरह आते हैं वो आते हैं। अब तो तरबूज खा रहे हैं तो पूरे 12 महीने तरबूज खा रहे हैं, ये भी बीमारी की जड़ है। अगर आम खा रहे हैं तो हर महीने आम खा रहे हैं, हमको मॉल्स वगैरह मिलने लग गए, हम आम खाने लगे। तो बहरहाल ये दिस इज़ नॉट ए गुड प्रैक्टिस। तो पुरानी प्रैक्टिस जो होती है वो हम लोग इस तरह, हमको मॉडर्निटी के नाम पर हमको बीमार किया जा रहा है। पहले जैसे मैंने इससे पहले भी ऑडियो बनाई थी उसमें से मैंने कहा था, फिर याद दिला रहा हूँ जिन लोगों ने अगर नहीं सुना हो तो फिर को याद दिला के बताऊँ कि इससे पहले जो हमारे खाने थे आपने देखा था नॉर्मल डिलीवरीज हुआ करती थी घरों में, और कभी कभी कोई लाखों में कोई सुनते थे कि साहब बड़े ही इनको कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया, उनको ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ है। आजकल ये नॉर्मल वाला बहुत मुश्किल हो गया है कि किसी को, शायद ही किसी को आप सुनेंगे, उसका एक्सीडेंटल बच्चा हो जाता है कि वो ट्रेन में चल रही जा रही है या कहीं किसी सफ़र में है तो उसका एक्सीडेंटल बच्चा हो गया, वरना इधर वो नर्सिंग होम गई उधर उसका सिजेरियन का बिल बना। तो हमको क्या है, दिन प्रतिदिन हमको कमज़ोर किया जा रहा है। हम खाने खा रहे हैं अपने हिसाब से बहुत अच्छे खाने समझे खा रहे हैं, लेकिन खाने ख़राब है। और हमारे ही खाने अच्छे थे, इसी अगर प्रेगनेंसी की अगर बात करें तो पहले आपने देखा होता ना कि वो हरीरा जब बच्चा पे हो जाते थे वो उनको हरीरा पिलाया जाता था, या गोंद के लड्डू होते थे एक अच्छे तरीके के, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो खाना खाए थे जिससे कि मतलब उसको मतलब लीडी की ताकत बढ़े, जो उसकी माँ है उसकी ताकत बढ़े, या उसके अंदर उसका और अच्छा दूध पैदा हो जो वो खाए। तो अब वो उसको करने से वो विटामिन के ऊपर आ गए, तो विटामिन की गोलियाँ खा रहे हैं तो विटामिन की गोलियों में हमें कितनी ताकत मिल सकती क्या है। तो हमारा कहना ये है कि खानों को रिवाइव कीजिए, देखिए वो क्यों पकते थे कैसे, पता ही बहुत बड़ा काम करेंगे अपनी सोसाइटी में। और खुद ये नहीं करिए, इसको लीजिए फिर अपने बच्चों को सिखाइए, आपकी जो बेटियाँ हैं और जो लोग हैं उनको भी बुला के उसको सिखाइए। उनको आजकल लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है, रमज़ान भी है, बहाने हैं, मौका भी है, दस्तूर भी है कि एक बहाना भी है आपके पास। आप कहते हैं कि वक्त नहीं, तो सब आपके पास बहुत वक्त है, सब क्यों बनाए तो रमज़ान चल रहा है तो हमारी हिंदू मुस्लिम तहजीब है, अगर कोई हिंदू है तो वो भी अपने यहाँ जो है तो हमारे आसपास के जो हिंदू लोग हैं वो लोग इफ्तारी बना के मुझे ही भेजते हैं और हमारे यहाँ इफ्तारी उनके जाती है। अगर ऐसी तहजीब नहीं है तो उसको फिर भी बनाइए। हम तो लखनऊ के हैं, हम लोग तो जानते हैं कि कैसे मिल के रहा जाता है और मिल के ही रहना चाहते हैं, तो आप भी मिल के रहिए, देखिए बहुत मज़ा आता है मिल के रहने में। तो एक दूसरे से मोहब्बतें बढ़ाइए, और खाना एक बहुत बड़ा वो है कि इसको मतलब अक्सर लोग कहते भी ना कि साहब खाने से जो है वो मोहब्बत का रास्ता जो है वो पेट से होकर गुजरता है, कि जितना अच्छा खाना आप दूसरों को खिला दें, कभी कोई नाराज़ भी है खफा भी है तो आप उसको खाना खिला दीजिए तो खुश हो जाएगा वो, है ना। तो इसलिए बहरहाल कहने का मकसद ये कि अच्छे से अच्छे खाने देखिए, जो पुराने खाने हैं उनको लाइए, जो ताकतवर खाने उनको ला कर के डालिए। और जो हमारा जो प्रोग्राम करती हैं बबीता जी, उसको भी उसको पढ़ाइए, उसको उसके ज़रिए से उसको पढ़ाने से उसका फ़ायदा ही होगा उनको आप बताएंगे। तो वो एक ऐसा प्रोग्राम करती कि जो पूरे देश में पहुंच जाता है। अगर आप अपने घर में बनाए तो आपने सिर्फ अपने बच्चे को सिखाया होगा, लेकिन अगर जैसे आप उनके इवेंट में आते हैं तो वो बात पूरे मुल्क में पहुँच जाएगी। जो लोग उस मुल्क में कहीं दूर दूर से लोग आते हैं जो उस इवेंट में आए होंगे उसमें पहुँच जाएगा। इस इवेंट में जो लोग नहीं होंगे तो प्रेस के ज़रिए और अखबार के ज़रिए या और दूसरी किताब और डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए दूसरों तक पहुंच जाएगा, और आपका खाना भी पहुंचेगा, आप भी पहुंचेंगे, और बहुत से लोग हैं जो उनके इवेंट से मशहूर भी हो गए। तो अच्छा इवेंट है, देखिए आपको खुद भी फ़ायदा पहुंचाइए, दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाइए। और थैंक्स बबीता जी, आपने इतना अच्छा ये एक इवेंट्स बनाए और मुझे भी बुलाया आपने, और आज भी आपने मुझे इसमें मौका दिया कि मैं अपने होम शेफ से बात कर सकूँ। लिहाजा ये कि कुछ भी जो आपका अपने जो आपने बनाया है वो अच्छा होना चाहिए,
और जो अच्छा है तो उसको सब लोग अप्रिशिएट करेंगे। इतनी सी बात करने के लिए शुक्रिया। फिर आपसे फिर मुलाकात होगी फिर किसी इवेंट पर या किसी और वीडियो के ज़रिए, किसी और ऑडियो के ज़रिए। तब तक के लिए हम बाय, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, नमस्ते, सलाम एक बार फिर। और मुझसे कोई अगर चाहता है, कोई राय लेना चाहता है तो हमारे उसी उसके ज़रिए मैं मौजूद हूँ, मुझसे आप बात भी कर सकते हैं, मुझसे राय भी ले सकते हैं। जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, फिर से मिलते हैं।